वन में। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइंड है? एफ डॉट जी अप्लाइड ऑन एक्स इज एफ एक्स इंटू जी एक्स। बट एफ एक्स जी एक्स क्या है? रियल नंबर है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं जी एक्स इंटू एफ एक्स भी, और जी एक्स इंटू एफ एक्स को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एफ जी ऑफ एक्स, जी एफ जी इंटू एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। सो वी कैन से दैट एफ डॉट जी इज सेम एज जी डॉट एफ। सो दिस रिंग इज कॉम्यूटेटिव। दिस इज नॉट ओनली कॉम्यूटेटिव बट इट हैज आइडेंटिटी आल्सो, बिकॉज इफ यू टेक ए मैप, कॉन्स्टेंट मैप डिफाइन, कॉन्स्टेंट मैप वन, इसको हम लोग वन एक्स से डिनोट करते रहे हैं, दिस इज ए कॉन्स्टेंट मैप वन ही बोल देते हैं, वन बोल देते हैं, दिस इज ए मैप फ्रॉम जीरो वन टू आर एज वन ऑन एक्स इज इक्वल टू वन, सब पे इसकी वैल्यू वन आ रही है। ठीक, तो ये मैप क्या करेगी? अगर इस मैप को किसी दूसरी मैप, हम सी जीरो वन के ऊपर एक दूसरी मैप ले लें और वन को मल्टीप्लाई कर दें इस एफ में, देन यू कैन सी दैट व्हाट विल बी द वैल्यू, वन एक्स इंटू एफ एक्स, वन एक्स हैज वैल्यू वन एंड दिस इज एफ एक्स, सो इट इज एफ एक्स, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, सो इट सिंपली मीन्स दैट वन डॉट एफ इज इक्वल टू एफ, एंड सिमिलरली वी कैन सो दैट एफ डॉट वन इज सेम थिंग। सो इट दिस वन इज वर्किंग एज ए एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, सो इट इज ए रिंग विथ आइडेंटिटी ऑल्सो, नॉट ओनली दिस, सो दिस इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी, सी जीरो वन इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी। सो ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस टू मोर टर्म्स, एंड एक टर्म है यूनिट्स, यूनिट्स इन द रिंग, यूनिट्स इन द रिंग, इन आर रिंग इज ए बेटर वर्ड। एक रिंग में यूनिट क्या होता है? सपोज आर इज रिंग, सपोज आर प्लस डॉट इज अ रिंग विथ आइडेंटिटी, विथ आइडेंटिटी। तो यूनिट डिफाइन करने के लिए रिंग विथ आइडेंटिटी हमको चाहिए, और आइडेंटिटी को यूनिटी भी बोलते हैं। तो रिंग विथ यूनिटी या रिंग विथ आइडेंटिटी है। रिंग विथ आइडेंटिटी बोलने का मतलब कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी से हमारा मतलब है, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आर प्लस एक एबिलियन ग्रुप होता है, तो हमको मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट की आइडेंटिटी चाहिए, और इसको हम लोग यूजली वन से डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज वन, डिनोटेड एज वन, इसको यूजली हम लोग वन से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए। सो एन एलिमेंट ए इन आर इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट का दूसरा नाम इन्वर्टिबल भी होता है। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इज कॉल्ड यूनिट इफ देयर एग्जिस्ट अ बी इन आर such that a into b is equal to b into a is equal to 1. If this happens, then we say that a is invertible. And of course, if a is invertible, then b is also invertible, or b is also unit. For example, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको मिल जाएगा जेडन में। तो सपोज करिए हमने लिया जेड सिक्स, लिया जेड सिक्स का एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे जीरो बार, वन बार, टू बार, थ्री बार, फोर बार एंड फाइव बार, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ जेड सिक्स। ठीक है, अब देखिए कौन सा एलिमेंट है जिससे दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर वन आ सकता है, यानी यूनिट कौन है? मान लीजिए हमने ले लिया टू,
अब बताइए, टू से किसी दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके क्या वन ला पाएंगे? चेक करते हैं, टू से थ्री को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? टू इंटू थ्री करेंगे तो सिक्स आएगा, यानी जीरो आएगा, ठीक है। टू इंटू फोर करेंगे तो कितना आएगा? एट आएगा, यानी टू बार आएगा। टू इंटू फाइव करेंगे तो कितना आएगा? टेन आएगा। टेन बार का मतलब फोर बार आ जाएगा। तो टू से अगर हम किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है जीरो आ जाएगा, टू से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा। सो टू एक यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है? क्योंकि टू से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर हमको वन नहीं आया। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, थ्री इज नॉट यूनिट, थ्री इज नॉट यूनिट। वॉट अबाउट फोर? फोर इज ऑल्सो नॉट यूनिट। वॉट अबाउट फाइव? फाइव यूनिट है क्या? फाइव में वन और जीरो को तो छोड़ दीजिए, फाइव में टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन आएगा, जैसा कि अभी हम लोग देखे फोर बार। फाइव में थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन आएगा, यानी थ्री बार। फाइव में फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी आएगा, यानी टू बार। और अगर हम फाइव में फाइव को मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा, और 25 कितना हुआ? वन बार। सो 5 इज सेल्फ इनवर्स। यहाँ पे 2 में से 2 को मल्टीप्लाई हम लोग नहीं किए थे, लेकिन आप देख सकते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आएगा। सो 5 इज इन्वर्टिबल। तो ये एलिमेंट क्या है? इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरा इन्वर्टिबल कौन है या यूनिट कौन है? 1। 1 में 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है। सो यूनिट्स ऑफ z6 अगर हम लोग बात करेंगे, यूनिट्स ऑफ z6 तो ये क्या आएंगे? ये आएंगे 1 एंड 5, ठीक है। ये होता है यूनिट्स ऑफ z6। इसी तरह से अगर हम रिंग ले लें, यूनिट्स ऑफ z की बात करें, एक सिंपल नोटेशन भी इसके लिए, u ऑफ z6 लिखते हैं इसको शॉर्ट में, या कोई भी रिंग आपकी है तो ur लिखते हैं, यूनिट्स ऑफ द रिंग बताने के लिए। So, units of z का मतलब हो गया u of z। और आप देख सकते हैं z में कौन कौन से एलिमेंट्स का इनवर्स मिल रहा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिल रहा है। एक 1 का मिल रहा है और एक -1 का मिल रहा है, और बाकी कोई भी एलिमेंट आप लेंगे तो उसका इनवर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी आप इंटीजर सपोज करिए n ले लिए तो उसमें किसी दूसरा इंटीजर x से मल्टीप्लाई करने पर कभी 1 आ सकता है क्या? अगर n 1 या -1 नहीं है, सो यू विल नेवर गेट 1। सो कोई भी इंटीजर यूनिट नहीं है या इन्वर्टिबल नहीं है इस रिंग जेट के ऊपर, ठीक है। चलिए अब हम इन जनरल अगर जेडन की बात करें, इन जेडन अगर हम जेडन ले लें तो यू ऑफ जेडन क्या होता है? यू ऑफ जेडन दोज ए बार इन जेडन आते हैं सच दैट A and N are co-prime. So this is not hard to show that, prove that set of units of Zn is UZn as defined above. यानी आपको क्या दिखाना है? आपको दिखाना है कि A is a unit to show, क्या दिखाना है आपको इसको प्रूफ करने के लिए? A is unit in Zn if and only A and N are co-prime, ठीक है। A और N का GCD क्या आएगा? 1 आएगा। और इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल नहीं है, एक पार्ट हम आपको अभी दिखा देते हैं। सपोज करिए
ए और एन का जीसीडी वन है तो क्या होगा? जीसीडी की डिफिनेशन से डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता है एग्जिस्ट करती है, तो जीसीडी की डिफिनेशन से देयर एग्जिस्ट यू एंड वी इन जेड, यानी दो इंटीजर ऐसे मिलेंगे सच दैट यू ए प्लस वी एन विल बिकम वन। ये क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है आपको? अगर हम दो नंबर का जीसीडी निकाल रहे हैं ए और एन का, तो हमेशा यू और वी ऐसे इंटीजर मिलेंगे कि ए यू प्लस वी एन करेंगे तो वन आएगा। बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? सबको यस सर। क्लियर है? ठीक। अब क्या करिए, इसको मॉडुलो एन ले लीजिए। मॉडुलो एन लेने का मतलब इसमें पूरे में बार ले लेते हैं हम लोग। सो यू बार ए बार प्लस वी बार एन बार इज इक्वल टू वन बार, ठीक है ना? ये पूरा एक्सप्रेशन किसमें चला गया? मॉड एन में चला गया। मॉड एन में एन बार क्या होगा? जीरो होगा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। वी बार इंटू जीरो बार हो गया। सो द यू में राइट इट इज यू बार इंटू ए बार प्लस वी बार इंटू जीरो बार इज इक्वल टू वन बार, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? यू बार इंटू ए बार इज इक्वल टू वन बार। तो आपको क्या पता लग गया? इनवर्स ऑफ ए बार इज इन्वर्टेबल, ए बार इज यूनिट और इन्वर्टेबल, एंड ए बार का जो इनवर्स है वो कौन है? यू बार। समझ में आ रही बात? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर जेड सेवन ले रहे हैं, जेड सेवन में कोई नंबर हमने ले लिया, सपोज करिए थ्री ले लिया, थ्री इन जेड सेवन ले लिया, तो आप देख सकते हैं थ्री और सेवन क्या है? को प्राइम। थ्री और सेवन को प्राइम है, तो आप कैसे यू और वी फाइंड करेंगे? आप थ्री से डिवाइड करिए सेवन। थ्री थ्री सॉरी थ्री टू सिक्स, सो द रिमाइंडर इज वन। सो वन कैन बी रिटन एज सेवन माइनस सिक्स, और सेवन माइनस सिक्स को आप कैसे लिख सकते हैं? सेवन माइनस सेवन प्लस माइनस टू इंटू थ्री। आप देख सकते हैं यहां पे जैसे ऊपर वाला फॉर्म था वैसा हो गया कि नहीं? सेवन का मल्टीपल इसको यू बोल सकते हैं, यू की वैल्यू है वन, और थ्री का मल्टीपल इसको वी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू है माइनस टू, ठीक है ना? एक यू मिल गया, एक वी मिल गया, तो इसी तरह से यू और वी निकाला जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप चलेंगे इसको मॉड लो सेवन में, अगर देखेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो क्या होगा? वन बार इज इक्वल टू सेवन बार जीरो हो गया प्लस माइनस टू बार इंटू थ्री बार। समझ में आ रहा है? सो वन बार इज इक्वल टू माइनस टू बार इंटू थ्री बार, तो थ्री का इनवर्स कौन हुआ? माइनस टू बार, ठीक है ना? सो थ्री बार का जो इनवर्स हुआ वो क्या हुआ? माइनस टू बार हुआ। लेकिन माइनस टू का क्या मतलब है? जेड सेवन के अंदर माइनस टू क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय माइनस टू इन जेड सेवन? माइनस टू को आप सेवन से डिवाइड करिए और रिमाइंडर कितना आएगा, वही आपका आंसर। माइनस टू को सेवन से डिवाइड कर सकते हैं क्या? कैसे होगा बताइए, तो डिवीजन कैसे होगा? कितनी बार ले जाए? माइनस वन बार ये जाएगा, माइनस सेवन क्योंकि जीरो बार ले जाएंगे तो जीरो बड़ा हो जाएगा माइनस टू से, माइनस सेवन छोटा है, घटाएंगे इसको तो क्या आएगा? फाइव आएगा। सो माइनस टू बार का मतलब क्या है? फाइव बार, ठीक है? सो अब थ्री का इनवर्स क्या हुआ? फाइव हुआ। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, थ्री इंटू फाइव करेंगे तो कितना आएगा? फिफ्टीन बार, और फिफ्टीन बार का मतलब सेवन से इसको डिवाइड करेंगे तो वन बार आ जाएगा, विच इज सेम इज फाइव इंटू थ्री बार। सो यू नो हाउ टू डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, कैसे एक एलिमेंट का इनवर्स हम निकालेंगे अगर वो को प्राइम है तो। समझ में आ रही बात? तो दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू कि अगर हमने जेडन लिया है तो यू जेडन इज इक्वल टू ए बार बिलोंग्स टू जेडन सच दैट ए एन इज इक्वल टू वन। आपको दिखाना है कि ये जो यू जेडन है यही जो है सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ जेडन है, ठीक है? एक हिस्सा हमने दिखा दिया कि अगर कोई नंबर एन से को प्राइम होगा तो उसका इनवर्स मिलेगा। अब आप दिखाइए कि अगर
ए बार यूनिट है यानी इसका इनवर्स मिल रहा है, तो ये नंबर जरूर एन से को प्राइम होगा। और इसको दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर को प्राइम नहीं है तो क्या होगा, अगर को प्राइम नहीं है तो यूनिट नहीं होगा, ये दिखा दें तब भी हो जाएगा। तो आप ट्राई करिएगा, समझ में आ रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एट एनी पॉइंट देन प्लीज टेल मी, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। यस प्लीज, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग नहीं, फाइव एक और कैसे आया? हाँ देखो, जो भी ये नंबर है ना, बार का मतलब क्या है, जैसे मॉड सेवन में हम बात करेंगे, जब मॉड सेवन में, तो अगर हम आपसे बोले व्हाट इज 16 बार, तो इसका मतलब क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज 16 बार इन मॉड सेवन? टू बार सर, टू बार। हमने 7 से 16 को डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उसको लिखा, तो टू बार आ गया। तो अगर हम माइनस टू बार पूछ रहे हैं आपसे, तो आप क्या करेंगे, माइनस टू को 7 से डिवाइड करेंगे। आपको पता है रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 7 से माइनस टू कितनी बार जाएगा, माइनस वन बार जाएगा। सो माइनस सेवन आया, और हमने फिर क्या किया, माइनस टू में से माइनस सेवन को सब्ट्रैक्ट किया, सो व्हाट विल यू गेट, 5 आ गया हमारा रिमाइंडर। समझ में आ रही है बात? इज इट ओके? सर नहीं समझ आए। अच्छा ठीक है, तो फिर से हम लोग देखते हैं ये मॉडुलो क्या होता है, मॉडुलो ऑपरेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए जेड एन कैसे डिफाइंड होता है, जेड एन के जो एलिमेंट होते हैं वो 0 बार होते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अप टू एन माइनस 1 बार। ठीक, अब ये बार होता क्या है, ये देखो 0 बार का मतलब है दोज x and z such that n divides x। ठीक है, इसका मतलब ये कैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, ये n z टाइप के एलिमेंट होते हैं such that z belongs to z। ये x क्या हो गया, n से डिवाइड होने वाले नंबर्स हो गए। वन बार क्या होता है, देखो वन बार का मतलब होता है वन प्लस n z टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन such that z belongs to z। और इसी तरह से टू बार क्या होता है, टू बार होता है टू प्लस nz टाइप का कलेक्शन such that z belongs to z। ठीक है, और इसी तरह चलते हुए कोई भी i नंबर हम ले लें, तो i के ऊपर अगर हम बार लगाएंगे तो i बार का मतलब है i प्लस nz टाइप का नंबर such that i belongs to z। फॉर एग्जाम्पल अगर हम Z7 की बात करें, Z7 की बात करें, तो उसके अंदर 0 बार का मतलब है 7 Z टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन such that Z belongs to Z। इसमें क्या क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस माइनस 7 आएगा, प्लस माइनस 14 आएगा, 7 के मल्टीपल्स का कलेक्शन। ठीक, अब अगर हम 1 बार की बात करेंगे, तो 1 बार का क्या मतलब हुआ, 1 बार का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 7 z टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन सच दैट z बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो 1 बार क्या है, 1 बार एक सिंगल एलिमेंट नहीं है बल्कि एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक, तो अगर आप लिखोगे ध्यान से तो क्या क्या आएगा, इसमें 1 आएगा, 8 आएगा, 15 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको 1 प्लस 7 z टाइप से लिख सकते हैं। और इधर नेगेटिव में देखेंगे तो क्या आएगा, इसमें से 1 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करो, कितना हुआ, माइनस 6 आएगा। समझ में आ रहा है?
और सेवन पीछे जाएंगे तो सब सेवन सेवन का डिफरेंस है, देखो सब में सेवन का डिफरेंस है, यहाँ जेड की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, जेड की वैल्यू अगर आप वन रखे तो एट आया, जेड की वैल्यू जीरो रखे तो वन आया, जेड की वैल्यू जब माइनस वन रखे यानी वन में से माइनस सेवन एड किए तो माइनस सिक्स आया, जेड की वैल्यू टू रखेंगे तो वन माइनस फोर्टीन हो जाएगा यानी माइनस थर्टीन एंड सो, तो सेवन सेवन का डिफरेंस पे सारे नंबर्स हैं, समझ में आ रहा है। और इसी तरह से जब हम टू बार की बात करेंगे तो टू बार क्या होगा, टू प्लस सेवन जेड टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा सच दैट जेड बिलोंग्स टू सेट, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, टू आएगा, नाइन आएगा, सिक्सटीन आएगा, और निगेटिव साइड देखेंगे तो क्या आएगा, टू माइनस सेवन, टू में से सेवन को घटाएंगे कितना हुआ माइनस फाइव, और माइनस ट्वेल्व एंड सो ऑन, सेवन सेवन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इस तरह से ये पूरा बनके आपका सिक्स बार तक ये जाएगा, सिक्स प्लस सेवन जेड टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन, सेवन जेड टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन सच दैट जेड बिलोंग्स टू सेट, सो देयर विल बी सिक्स, थर्टीन, ट्वेंटी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, माइनस वन, माइनस एट एंड सो, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, ये जितना जीरो बार हमने लिखा ये सारे ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसको अगर सेवन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, वन बार क्या है, वन बार ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसको सेवन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वन आएगा, आप देख सकते हैं वन प्लस सेवन जेड टाइप के एलिमेंट्स को जब भी हम सेवन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वन, टू बार क्या है, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ऐसे इंटीजर्स का कलेक्शन है जिसको सेवन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर टू आएगा, और इसी तरह से सिक्स बार क्या है, ऐसे इंटीजर्स का कलेक्शन है जिसको सेवन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सिक्स आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, एक्स बार और वाई बार को हम लोग बराबर कब बोलते हैं, इफ सेवन डिवाइड्स एक्स माइनस वाई, अगर हम मॉडलो सेवन में चल रहे हैं तो एक्स बार और वाई बार कब बराबर होगा, अगर सेवन डिवाइड करेगा एक्स माइनस वाई, तो सेवन एक्स माइनस वाई को कब डिवाइड करेगा, जब एक्स को हम सेवन से डिवाइड करें और वाई को सेवन से डिवाइड करें और रिमाइंडर सेम आ जाए, है ना, एक्स को अगर हम सेवन से डिवाइड करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्स डैश प्लस सेवन इंटू सम जेड वन, और वाई को अगर हम सेवन से डिवाइड करेंगे तो वाई डैश प्लस सेवन इंटू जेड टू लिख सकते हैं, और अगर एक्स माइनस वाई की बात करेंगे तो एक्स माइनस वाई को सेवन कब डिवाइड करेगा, एक्स माइनस वाई को सेवन तभी डिवाइड करेगा जब एक्स डैश और वाई डैश बराबर, यानी एक्स को सेवन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर और वाई को सेवन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर बराबर आएगा, कब आएगा, जब बराबर आएगा तभी सेवन एक्स माइनस वाई को डिवाइड कर पाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि बार, दो एलिमेंट का बार कब बराबर होगा, जब दोनों का सेवन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आएगा, यानी जितने एलिमेंट इस एक वन बार के अंदर आ रहे हैं इन सब का बार हम निकालेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब अगर हम 15 बार की बात करें, हम 8 बार की बात करें, हम 1 बार की बात करें, या माइनस 6 बार की बात करें, या माइनस 13 बार की बात करें, सब बार कितना आएगा, 1 बार आएगा, क्योंकि इन सबको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर हम 2 बार की बात करें, या हम 9 बार की बात करें, या हम 16 बार की बात करें, या माइनस 5 बार की बात करें, या हम माइनस 12 बार की बात करें, सब का बार क्या आएगा, टू बार आएगा। कैसे निकला ये टू बार, इन सारे नंबर्स को हम सेवन से डिवाइड करेंगे, सेवन से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया वो हमेशा टू बार आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। इस तरह से ये बार निकलता है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे निकाला कि माइनस टू बार जो है वो फाइव आएगा। ठीक है, तो माइनस टू बार को, माइनस टू को हमने सेवन से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, रिमाइंडर आया फाइव, और फिर हमने इसको कैलकुलेट किया। ठीक, चलिए, तो ये हम लोग ने बात कर ली, हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, एग्जांपल्स ऑफ रिंग, एक एग्जांपल है रिंग ऑफ रियल क्वार्टरनियंस, रिंग ऑफ रियल क्वार्टरनियंस,
इस रिंग को हम लोग एच से डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ए नॉट प्लस ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जहां पर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स रियल नंबर है इसीलिए इसको रिंग ऑफ रियल क्वार्टरनियंस बोलते हैं। अब ये आई जे के क्या है, आई जे के जो है इनकी कुछ वैल्यूज हैं, आई को आई से मल्टीप्लाई करने पर माइनस वन आएगा, जे का स्क्वायर भी यानी जे इंटू जे करने पर माइनस वन आएगा, ये वेल पहले से डिफाइंड है, के इंटू के यानी के स्क्वायर करने पर के इंटू के ये भी माइनस वन आएगा। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज आई इंटू जे, तो इसका एक रूल है, वो रूल ये है कि अगर आपने ग्रुप में क्यू एट पढ़ा है तो ये आई जे के क्यू एट के एलिमेंट है, ऐसा आप कह सकते हैं, और अगर आप क्यू एट से कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो इस तीर की दिशा में अगर हम लोग चलेंगे तो आई इंटू जे करेंगे तो उसके बाद वाला आ जाएगा यानी के आ जाएगा, लेकिन अगर हम उल्टा चलेंगे यानी जे इंटू आई करेंगे तो माइनस के आएगा, अगर उल्टा चलेंगे जे इंटू आई करेंगे तो माइनस के आएगा। इसी तरह से आप किसी का भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सो अगर आप के इंटू आई करेंगे तो कितना आएगा, व्हाट इज के इंटू आई, के इंटू आई मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना आएगा जे एलिमेंट जे, लेकिन अगर हम आई इंटू के करेंगे तो आई इंटू माइनस जे, माइनस जे आ जाएगा, बिल्कुल ठीक ठीक है ना। और अगर हम के इंटू जे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आई आएगा, और अगर जे इंटू के करेंगे तो आई प्लस आई आएगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट डिफाइन होता है, आप लोग समझ गए ये प्रोडक्ट, और ये एक्चुअल में क्यू एट एक ग्रुप होता है, उसके एलिमेंट्स, उस ग्रुप का नाम क्वार्टरनियन होता है। अगर आप अपने ग्रुप थ्योरी के कोर्स से देखेंगे सो आपने एक ग्रुप पढ़ा होगा क्यू एट, इसके एलिमेंट होते हैं वन माइनस वन प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे एंड प्लस माइनस के, उनका मल्टीप्लीकेशन इसी तरह से डिफाइन होता है प्लस माइनस के, और ये वही है आई जे के उसी ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप ये मल्टीप्लीकेशन ध्यान रखिएगा। ये जो सेट एच है ये एक रिंग बनाता है, कैसे रिंग बनाता है, रिंग बनाने के लिए दो ऑपरेशन चाहिए, एक एडिशन का ऑपरेशन चाहिए। सो हम एच एट क्रॉस एच एट से एच एट में एक एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं और एक मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एच एट क्रॉस एच एट से एच एट एच एट। एडिशन का ऑपरेशन कैसे होता है, देखिए दो एलिमेंट हम ले रहे हैं ए नॉट प्लस ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे दूसरा एलिमेंट, एंड सपोज करिए वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट है बी नॉट प्लस बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग कोफिशिएंट वाइज एडिशन करेंगे तो हमको मिलेगा ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए वन प्लस बी वन इंटू आई प्लस ए टू प्लस बी टू इंटू जे एंड प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री इंटू के, लाइक दिस वी कैन मल्टीप्लाई, लाइक दिस वी कैन ऐड। और मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो सपोज करिए दो एलिमेंट हम ले रहे हैं ए नॉट प्लस ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है बी नॉट प्लस बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के में। तो क्या होता है, इस रिंग में मल्टीप्लीकेशन की डिफिनेशन होती है, ए नॉट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इस एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो शॉर्ट में इसको हम कुछ नाम दे देते हैं वाई, ए नॉट इंटू वाई कर दीजिए प्लस ए वन आई इंटू वाई कर दीजिए प्लस ए टू जे इंटू वाई कर दीजिए और प्लस ए थ्री के इंटू वाई कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज ए वन आई इंटू वाई कैसे निकालेंगे आप। सो ए वन आई इंटू वाई में क्या है, बी नॉट प्लस बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के,
तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो यू हैव ए वन बी नॉट मल्टीप्लाई हो गया, आई आ गया, प्लस ए वन बी वन और आई इंटू आई हो गया, प्लस ए वन बी टू आई इंटू जे हो गया, प्लस ए वन बी थ्री आई इंटू के हो गया. और आई को मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको हमने ऊपर बताया. सो व्हाट इज द रिजल्ट, ए वन बी नॉट आई प्लस, और ये आई इंटू आई क्या होता है, माइनस वन होता है. सो दिस इज माइनस ए वन बी वन, आई इंटू जे क्या हुआ, के हो गया. सो दिस इज ए वन बी टू के, एंड आई इंटू के क्या हो गया, माइनस जे हो गया. सो दिस इज माइनस ए वन बी थ्री जे. सो इसको अगर हम सेट करके लिखेंगे, यानी पहले कॉन्स्टेंट वाला टर्म जिसमें कोई आई जे के नहीं है, माइनस ए वन बी वन प्लस ए वन बी नॉट आई माइनस ए वन बी थ्री जे प्लस ए वन बी टू के. इस तरह से आप सारे एलिमेंट को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद सबको आप ऐड कर सकते हैं. सो इन दिस वे मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड एंड इट इज नॉट वेरी हार्ड टू सी दैट. और आई एम लीविंग इट एज एक्सरसाइज फॉर वेरिफिकेशन. वेरीफाई दैट H plus is an abelian group with 0 plus 0i plus 0j plus 0k as additive identity. ये additive identity है. इस additive identity को लेके आप abelian group बना सकते हैं. और इनवर्स किसी एलिमेंट का लेंगे तो कैसे होगा, ए नॉट प्लस ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के अगर कोई एलिमेंट ले रहे हैं, इसका एडिटिव इनवर्स हमेशा कैसे निकलता है, माइनस लगा के. तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस ए नॉट प्लस प्लस छोड़ सकते हैं माइनस ए वन आई माइनस ए टू जे माइनस ए थ्री के. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एडिटिव इनवर्स. Also, इतना दिखाइए और उसके बाद वेरीफाई दैट दिस प्लस डॉट इज अ रिंग विथ आइडेंटिटी वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी को हम लोग यूजुअली वन से नोट करते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को. और ये जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है उसको यूजुअली हम लोग जीरो से नोट करते हैं. तो आप कह सकते हैं एक जीरो की वैल्यू जो इतनी है और वन की वैल्यू कितनी आएगी, वन प्लस जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के. सो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये पूरा रिंग बनाएगा और इसमें ये वैल्यू होगी. इस रिंग की एक खास बात है, दिस इज ए नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग. दिस इज नॉन कॉम्यूटेटिव. क्योंकि आप देखिए इस रिंग में एक एलिमेंट है आई. आई देखिए इस रिंग का एलिमेंट है कैसे, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं जीरो प्लस वन इंटू आई प्लस जीरो इंटू जे प्लस जीरो इंटू के. तो इसको सिंपली हम आई बोल सकते हैं. और इसी तरह से जे भी इस रिंग का एलिमेंट है. जे क्या हुआ, जीरो प्लस जीरो आई प्लस वन इंटू जे प्लस जीरो इंटू के. ये भी इस रिंग का एलिमेंट हुआ है. दोनों एच का एलिमेंट है. लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम दो तरह से लेंगे, आई इंटू जे करेंगे तो वो बराबर नहीं है जे इंटू आई के. बट आई इंटू जे इज इक्वल टू के इज नॉट इक्वल टू माइनस के विच इज जे इंटू आई. तो ये रिंग क्या है, कॉम्यूटेटिव नहीं है. सो दिस इज अ नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग. लेकिन इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिलता है. इस रिंग की एक खास बात है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिलता है. टेक an element a naught plus a one i plus a two j plus a three k which is not equal to zero. मान लीजिए एक element हमने लिया जो zero नहीं है. zero नहीं है इसका मतलब a naught भी zero नहीं है, a one भी zero नहीं है, a two भी zero नहीं है, a three भी zero नहीं है. क्योंकि zero का मतलब क्या है, सब सारे चीज zero हो तब उसको हम लोग zero या additive identity बोलते हैं. so take then
बीटा इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इज ऑल्सो नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि ए वन ए टू ए थ्री या ए नॉट में से कोई एक नॉन जीरो जरूर कंसीडर y इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए वन दिस बाय बीटा i माइनस ए टू जे बाय बीटा माइनस ए थ्री के बाय बीटा। अगर आप ये ले लीजिए y की वैल्यू, आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर इस एलिमेंट को हम x बोलें देन x इंटू वाई is equal to y into x is equal to 1. Check that. इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या हो, मतलब दो अगर हमें कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका करिस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिससे उसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा, यानी इन्वर्टिबल होगा। सो वी कैन से दैट ईच non-zero element is invertible or unit is unit। यहां इस रिंग में एक खास बात है कि हर non-zero element क्या है, वो unit होगा। non-zero का मतलब additive identity नहीं है, तो वो unit होगा। समझ में आ रही बात?